दोस्तों, आप लोगों में से काफी सारे बंदों का एक डाउट होता है कि हम अपनी वीडियो को शेयर करें या फिर नहीं करें, क्योंकि काफी सारे क्रिएटर बोलते हैं कि हमें अपनी वीडियो को शेयर नहीं करना चाहिए। तो क्या वाकई में शेयर करना सही है या फिर गलत है, आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी जनों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले कोई हमारे चैनल के ऊपर पहली बार है और अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को यूट्यूब से रिलेटेड सारी वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि हम अपने चैनल की वीडियो जो है उसको शेयर करें या फिर नहीं करें। हम क्या करते हैं, जैसे वीडियो को अपलोड करी है उसके बाद में तुरंत शेयर के बटन पर जाते हैं और व्हाट्सएप के ऊपर जितने भी ग्रुप है उन सारे ग्रुप के अंदर हम शेयर कर देते हैं, साथ ही साथ में अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी शेयर कर देते हैं। दोस्तों, उससे क्या गड़बड़ हो जाती है, और शेयर करना, मैं आप सभी जनों को बता दूं, गलत नहीं है। अगर शेयर करना गलत होता तो यूट्यूब वो फीचर हमें देता ही नहीं। यूट्यूब ने हमारे को फीचर दिया है तो क्यों दिया है, शेयर करने के लिए दिया है। लेकिन शेयर करने के अंदर एक चीज कंडीशन रहती है कि आप किस तरीके से शेयर करो। अगर आप ठीक तरीके से शेयर कर रहे हो तो वो आपकी वीडियो के लिए सही है, अगर आप लोग गलत तरीके से शेयर कर रहे हो तो फिर वो आपकी वीडियो के लिए बैड इफेक्ट हो सकता है। कैसे हो सकता है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे हमने कोई वीडियो बनाई है, वीडियो को हम अपलोड करने के बाद में क्या करते हैं, हम सीधी जाकर के अपने व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर देते हैं, हम अपने व्हाट्सएप स्टेटस के अंदर लगा देते हैं, हम ग्रुप के अंदर शेयर कर देते हैं और अपने जितने भी मिलने वाले फ्रेंड्स हैं, हमारे जितने भी मिलने वाले फ्रेंड्स हैं, हम उन सभी जनों के साथ में भी शेयर कर देते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर गलती ये रह जाती है, जैसे कि मैं कोई भी वीडियो बना रहा हूँ कि यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाते हैं, और दोस्तों इस वीडियो को मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस के अंदर लगा देता हूँ, कुछ ग्रुप के अंदर भी डाल देता हूँ, कुछ मेरे मिलने वाले फ्रेंड्स हैं उनके साथ में भी शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों, वो जो बंदे हैं वो बिल्कुल नेट का यूज ही नहीं करते हैं या फिर उनको यूट्यूब से कोई लेना देना ही नहीं है, तो दोस्तों वो मेरी वीडियो को देखेंगे नहीं देखेंगे, और ऐसे वहां पर वीडियो को शेयर कर देते हैं तो यूट्यूब ये समझता है कि इस बंदे को यहाँ पर वीडियो शेयर कर दी और फिर भी बंदे ने यहाँ पर वीडियो नहीं देखी, यानी कि ये वीडियो जो है खराब है। YouTube कुछ इस तरीके से एनालिसिस कर लेता है। और यहीं पर मैं अपनी वीडियो को शेयर उस बंदे के साथ में करूंगा जो मेरा कोई फ्रेंड है या फिर मेरा कोई फॉलोवर है, वो मुझे बोलेगा भाई मुझे क्या सब्सक्राइबर बढ़ाने कोई अच्छी वीडियो बता दो, और वहां पर मैं इस वीडियो को शेयर कर रहा हूं और वो बंदा उस वीडियो को देख रहा है, शुरू से लेकर के एंड तक पूरी देख रहा है, वीडियो को अच्छी रेटिंग भी दे रहा है, लाइक भी कर रहा है, अच्छे से कमेंट भी कर रहा है, तो यूट्यूब को लगता है कि यार इस बंदे को ये वीडियो पसंद आई है, तो यूट्यूब वहां पर हमारी वीडियो को और लोगों तक रिकमेंड करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर शेयर करना ठीक बात है, लेकिन जहां पर मैं व्हाट्सएप स्टेटस में भी लगा रहा हूँ, ग्रुप के अंदर भी लगा रहा हूँ, जिन बंदों को वीडियो के अंदर इंटरेस्ट भी नहीं है उनको भी मैं जबरदस्ती दिखा रहा हूँ, तो वहां पर हमारी वीडियो के लिए बैड इफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि यूट्यूब समझता है एक तो हम अपनी तरफ से वहां पर भेज रहे हैं और वहां पर सामने वाला बंदा देख ही नहीं रहा, तो यूट्यूब ये चीज समझ जाता है कि खुद क्रिएटर वीडियो को भेज रहा है उसके खुद के बंदे ही नहीं देख रहे, तो मैं जिन लोगों के पास भेजूंगा क्या वो वीडियो देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को शेयर करना गलत हो जाता है। तो दोस्तों, अब आप सभी जनों को करना क्या है, देखो वीडियो को हम शेयर कर सकते हैं लेकिन आप लोग उन्हीं बंदों के साथ में शेयर करो जिनको एक्चुअल में इस वीडियो की जरूरत है। हम अपने फ्रेंड को एक बार वीडियो दिखा भी देंगे, पास में मिटा करके फुल वॉच भी करा देंगे, अच्छे से दिखा भी देंगे, लेकिन क्या हम अगली वीडियो बनाएंगे वो उस अगली वीडियो को देखेगा नहीं देखेगा, तो यहाँ पर हमारी वीडियो के लिए चले जाते हैं बैड इफेक्ट और हमारी वीडियो वहां पर जो है फ्रीज हो जाती है। तो ऐसे में मैं आप सभी जनों को बताऊंगा कि आप सभी जनों को क्या करना है, वीडियो उसी बंदे के साथ में शेयर करो जिसको उस वीडियो की जरूरत है। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है वो यूट्यूब पर काम कर रहा है, उसको ग्रो होना है और वो आपसे वीडियो मांगता है, तो आप लोग उसको शेयर करो और वो फुल वीडियो को देखता है। जैसे कि लिंकों को शेयर करा, किसी ने आधी वीडियो देख ली और बंद कर दी, एक तो हमने उसको वीडियो शेयर करके दी उसने आधी देख ली, तो यहाँ पर हमारे चैनल के लिए बिल्कुल खतरा साबित हो जाता है। और दूसरा, हो सके तो बिल्कुल शेयर ही मत करो, मेरी बात मानो तो बिल्कुल शेयर ही मत करो। जो ऑडियंस आ रही है, जैसे कि अभी मेरी इस वीडियो को कोई भी देख रहा है, तो कौन बंदा देख रहा है, जो खुद क्रिएटर है जिसको इस वीडियो की नीड है वो इस वीडियो को देख रहा है, एरा गेरा नहीं देख रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि जिस बंदे को नीड है उसी के साथ में शेयर करो या फिर उसी को दिखाओ, जिसको नीड नहीं है हम उसको भी दिखाते हैं तो फिर हमारी वीडियो वहां पर खराब हो जाती है और यूट्यूब हम सभी जनों को सपोर्ट नहीं कर पाता है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दोनों तरफ की चीजें बता दी है कि जिस बंदे को इंटरेस्ट नहीं है उसको दिखाएंगे तो हमारे को बैड इफेक्ट मिलेंगे, लेकिन हम जिस बंदे के साथ में शेयर करेंगे जिसको इसके अंदर इंटरेस्ट भी है उसके साथ में शेयर करेंगे तो हमारी वीडियो के ऊपर अच्छा इफेक्ट करेगा और यूट्यूब चार जनों को और आगे यहाँ पर रिकमेंड करेगा कि आप भी इस वीडियो को जोर से देखो। तो ये फायदा होता है वीडियो को शेयर करने का, और नहीं शेयर करने का किस तरीके से शेयर करें ये डाउट मैंने आप लोगों का आज की इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दिया है। तो आप दोस्तों, आप सभी जनों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों को वीडियो को शेयर करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, ये सारे का सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। अगर अब भी आप लोगों का कोई भी डाउट है तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के अंदर से मैं आप लोगों को पूरा समझाने की यहाँ पर जोर से कोशिश करूंगा। तो चलो, इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल के ऊपर पहली बार हो तो जोर से सब्सक्राइब भी कर देना।